3, 2, 1, GO! 인정! Hey guys, welcome back to the channel. जैसे कि वीडियो का टाइटल है, मैं लेने जा रहा हूँ एक कावासाकी ZX6R. एंड आप लोग सोच रहे हो कि मैं काफी दिनों से बात कर रहा था कि मैं हायाबुसा लूंगा नहीं तो टाइगर लूंगा, लेकिन अभी मैं ये ZX6R क्यों ले रहा हूँ. एक्चुअली जो बाइक है वो मेरे छोटे भाई के लिए है, खुद का छोटे भाई के लिए. वो पहले निंजा 300 चला रहा था एंड कुछ दिन पहले हम लोग निंजा 300 बेच दिए थे. तो अभी वो जो अपग्रेड कर रहा है कावासाकी ZX6R पे अपग्रेड कर रहा है. एंड उसका मन था एक्चुअली डुकाटी पैनिगा ले नहीं तो डुकाटी सुपर स्पोर्ट, उन दोनों में से कोई एक बाइक ले. लेकिन उसको मैंने समझाया कि डुकाटी का जो सर्विस है वो भुवनेश्वर में इतने अच्छी तरह से उसको नहीं मिल पाया, क्योंकि डुकाटी का कोई शोरूम भुवनेश्वर में नहीं है. कोई भी इशू होता है तो हमको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कोलकाता, जो कि नियरेस्ट डीलर जो है कोलकाता में है. तो इसलिए और मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलायबल लगता है जापनीज ब्रांड, जैसे कि कावासाकी होगा, सुजुकी हो गया, तो मुझे ज़्यादा मतलब रिलायबल लगता है डुकाटी से. एंड जो पहली बार 600 सेगमेंट में कोई स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च किया है कावासाकी ने. पहले डेटोना था, ट्रायम्फ डेटोना था, एंड ट्रायम्फ डेटोना जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया है. और पुराना वाला ZX6R था उसे काफ़ी ज़्यादा अलग है नया वाला. उसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जैसे कि क्विक शिफ्टर हो गया है, ऑटो ब्लिपर हो गया है, एंड ट्रैक्शन कंट्रोल, पावर मोड्स, जो कि पहले वाले मॉडल्स में नहीं था लेकिन इस मॉडल में है. एंड पूरा फीचर लोडेड गाड़ी है. मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कावासाकी ZX6R. तो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं उसको लेने के लिए. तो मैं एक्चुअली पहले निकल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जो फॉर्मेलिटीज वगैरह है उसको कंप्लीट करना है. बाकी मेरा छोटा भाई बाद में आके मुझे ज्वाइन करेगा, जो इसको आपको मैं ब्लॉग में वापस आप लोग देख सकते हो. इवन आज के इस खुशी के मौके पे मैं सारे मोटरसाइकिलिस्ट जो इतने ग्रुप मेंबर्स है सबको बुलाया हूँ. सो अभी मैं जा रहा हूँ कावासाकी का शोरूम. फिलहाल मुझे वहाँ पे जल्दी पहुँचना है, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो खत्म करना है. तो स्टे ट्यून गाइस. थोड़ी देर के बाद हम इसको अनवील करने वाले हैं, तो जब डिलीवरी होगा तब इसको खोला जाएगा. तब तक आप लोगों को वेट करना पड़ेगा थोड़ा. एक्चुअली मुझे इतना आइडिया नहीं है गाड़ी में क्या क्या फैसिलिटी इसमें, इस बाइक में क्या क्या ज़्यादा. जो पहले वाला जो ZX6R था एंड ये वाला जो 6R है तो कम्प्लीटली अलग ही है. मतलब आज लुक्स में देख लो या जो अपग्रेडेशन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन हुआ है उसमें. क्या क्या एक्स्ट्रा क्या क्या है? So, the new ZX6R is an amazing machine. Let me tell you, बड़ा मजेदार मशीन है. इसमें जो फैसिलिटीज दिया गया है, it is brought directly from the track onto the streets to make your riding a lot more comfortable, a lot more desirable, and a everyday motorcycle as well. If you are a sport bike needer like me, now इसमें दो खास चीजें दी गई है. जो है पहली बात है क्विक शिफ्टर. Now, maneuvering this motorcycle and negotiating within the traffic conditions are difficult for a bike of this category. जितना मुझे पता है क्विक शिफ्टर जो है वो 7000 RPM के बाद यूज करना चाहिए. करेक्ट, यूज करना चाहिए. हां, बट दिस इज अ स्लिपर क्लच एज वेल. अच्छा, स्लिपर क्लच है. यस, दिस इज अ सिंपल स्लिपर क्लच विद डुअल चैनल ABS. यू गॉट कॉर्नरिंग ABS ऑन दिस वन. आर यू सीरियस? कॉर्नरिंग ABS, मजा आ जाएगा. इवन ZX10R में भी नहीं है कॉर्नरिंग ABS. आ गया, अभी आ गया. द न्यू जनरेशन विल बी हैविंग अ कॉर्नरिंग ABS. पहले वाला जो ZX10R था, इवन समर का है, समर बाइक का है, अभी का बाइक का है, उनमें कॉर्नरिंग ABS नहीं था. लेकिन सुमन ने जो 10RR लिया था उसमें आ गया था फैसिलिटीज. सो नेक्स्ट जनरेशन जो फुली लोडेड कार है, करेक्ट, एब्सोल्युटली. एंड दिस हैज गॉट फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन. तो मैंने एक्चुअली जो वीडियो के इंट्रो में आप लोगों को बोला था कि इसमें ऑटो ब्लिपर है, इसमें ऑटो ब्लिपर नहीं है, एक्चुअली स्लिपर क्लच है. स्लिपर क्लच एंड क्विक शिफ्टर है, करेक्ट. And this is an extremely light motorcycle weighing less than 200 kg. जिस दिन मैं actually book करने आया था bike, उस दिन मैं थोड़ा bike में से बैठ के थोड़ा उसका test ride नहीं लिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि जब उसको एक लंबा ride पे लेके जाऊँ तभी test उसको ride करूँगा. तब तक मैं ride नहीं किया था. लेकिन उस दिन जब गाड़ी में बैठा था, उसका जो ergonomics है, and guys seriously, इतना हल्का, इतना मतलब इतना desirable हो जाता है bike ना एक point पे. Bikers like us understand what weight matters. Even I rode ZX10RR, correct.
कुछ दिन पहले मैं सुमन के राइड बाइक को लेके आप गए थे लंबा राइड करने के लिए, थोड़ा गया था नाराज की तरफ गया था राइड करने, वो बहुत हेडिंग हो गया था एक्चुअली, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यू नो, ये बाइक जो है पूरा एकदम पतला है, मतलब स्लिम है, डिजायरेबल है, बॉडी लाइंस को लिया गया है एक इंस्पिरेशनल H2 से, टू बी वेरी फ्रैंक लोग बोलते हैं कि 6R बहुत ज्यादा 400 की तरह दिखता है, ऐसा कुछ है भी नहीं, जो भी बोलता है भाई मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि निंजा 400 और ZX 6R में ज्यादा कुछ फर्क नहीं लगता, लेकिन काफी मैं जब आके गाड़ी को देखा इसमें सामने रैम एयर इनटेक इसमें जो कि ZX 400 जो सर निंजा 400 में नहीं है, इवन इसका जो लाइंस है इसका बॉडी लाइंस है वो कंप्लीटली अलग है, दिस इज अ सुपर स्पोर्ट, दिस इज अ सुपर स्पोर्ट्समैन एंड इट इज अ फर्स्ट सुपर स्पोर्ट्स टू बी ब्रॉट टू इंडिया इन अ लीगल प्रोसीजर, यस फॉर इवन we have Daytona, Triumph Daytona, we had a Daytona, but that is inline 3, this is a inline 4, the fun is absolutely different, and is 600cc ke bike mein 135 bhp ka power, and that is with a stock exhaust, let me tell you Raja bhai jab exhaust upgrade karenge and it will be a full system exhaust from Acropovic, this will lose weight close to 7 kilos, and power boost of 9 bhp, Saurabh actually jab gaadi launch hua nahi tha India mein, launch hone wala tha, correct, तब से सौरभ में हम लोग बात कर रहे थे, इवन मेरा भी मन था कि मैं छोटे भाई को बोलूं कि वो 600 ले लेगी, उसका मन था डुकाटी लेने के लिए, बट उसको पता नहीं है डुकाटी जो L-twin इंजन होता है एंड इनलाइन 4 इंजन होता है उसमें क्या फर्क है, इसमें जो वो मजा है जो कान में जो जब वो जो एग्जॉस्ट नोट इको करेगा ना, मजा अलग ही है, अलग ही लेवल है एक्सपीरियंस, मैं मानता हूँ डुकाटी का जो स्टाइलिंग है वो थोड़ा अलग है, इटालियंस मेक गुड मोटरसाइकिल्स इन टर्म्स ऑफ लुकिंग, कावासाकी मोस्ट रिलायबल मैं बोलूंगा क्योंकि जितने भी जापानीज ब्रांड है थोड़ा रिलायबल है, इजीली आपको पार्ट्स अवेलेबल हो जाता है, पहले कावासाकी में प्रॉब्लम था कि मतलब थोड़ा सर्विस वर्विस का इशू था, लेकिन मैं खुद ओन करता हूँ, 50,000 किलोमीटर होने वाला है मेरा बाइक, एंड एक नहीं तीन तीन ओन कर चुके हैं, हाँ दिस इज चौथा वाला कावासाकी इन हिज गैरेज, हाँ ये चौथा वाला है एंड पांचवा वाला भी आने वाला है, हाँ सरप्राइज है, बाद में बात करेंगे, तो ये जो बाइक है मतलब ये जो चौथा बाइक से जो थर्ड निंजा 1000 मेरा है उसमें ऑलमोस्ट मैं 45,000 किलोमीटर के आसपास में चला लिया हूँ, एंड जब स्टार्टिंग में बाइक खरीदा तब भुवनेश्वर में शोरूम नहीं था, उसके वजह से मुझे थोड़ा सर्विस में इशू हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन जब से शोरूम खुल गया है, इवन शोरूम खुलने से पहले भी जब मैं विजयवाड़ा गया था चंडीगढ़ में भी गाड़ी सर्विस करवाया हूँ, बहुत अच्छा मतलब सर्विस कॉस्ट तो कम हो गया है पहले से, एंड जो पार्ट्स है वो इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है, मतलब पहले आपको वेट करना पड़ता महीना डेढ़ महीना ऐसे वेट करना पड़ता, अभी ऐसा नहीं है, पुणे में इनका ऑलरेडी एक खुल गया है प्लांट, खुल गया है वो भी आ रहा है, हाँ तो इन लोग जो कावासाकी है इनका जो फ्यूचर है वो इंडिया में बहुत ब्राइट है, अगर आप लोग को खरीदना है तो कावासाकी खरीदो, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, देखिए इसमें आप रिलायबल है क्योंकि कभी भी कुछ भी होता है ना भाई, है मतलब ये ऐसा नहीं है कि डुकाटी का कुछ खराब हो तो डायरेक्ट इटली से आएगा, माइंड रहता है तो डुकाटी डुकाटी ओनर्स को मैं कुछ मतलब मैं खराब नहीं बोलूँ, आप लोगों का बाइक डुकाटी बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन कावासाकी मुझ मेरे हिसाब से बाइक बहुत रिलायबल गाड़ी है, राइट, तो क्या होता है ना आप 32 डीलरशिप्स विद सर्विस सेंटर अक्रॉस इंडिया खुल चुके हैं, आप कोई भी स्टेट में घुस जाओ और भी खुल रहा है, आप कोई भी स्टेट में घुस जाओ आपको सर्विसिंग मिल ही जाएगा, रोड साइड असिस्टेंस खड़ी है, एंड इसके अलावा 6R में एक और चीज है जो कि बहुत ही स्पेसिफिकली बनाई गई है इंडियन कंडीशंस और रोड को देख के, दिस हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड विद स्लिक टायर्स, दीज आर नॉट MotoGP रेस ट्रैक टायर्स, दीज आर ये चीज एक्चुअली इसीलिए मैं जब तेरे को फर्स्ट टाइम आके गाड़ी देखा था तब मैंने देखा कि इसमें एक्चुअली आप RR में देखे होंगे जो स्लिक टायर है उसमें स्लिक टायर लगा है, लेकिन इसमें जो है वो इंडियन रोड कंडीशन को देख के ही इसमें टायर लगा हुआ है, एंड इसको आप डेली यूज भी कर सकते हैं जो कि वो बाइक को आप नहीं कर सकते हो, एंड रिफाइनमेंट लेवल लेट मी टेल यू फैंटास्टिक, वो मैं चला के बताऊंगा अभी आप वो मैं गाड़ी चलाऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा, रेड लाइन आती है 16,000 आरपीएम, वो सब तो भाई ठीक है भाई आज हमको एक्स्ट्रा क्या क्या मिल रहा है, मतलब आप लोग हमको क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो, मोटरसाइकिलिस्ट ग्रुप पूरा आ रहा है, मोटरसाइकिलिस्ट ग्रुप आ रहा है, वी विल हैव अ नाइस टाइम, कुछ ड्रिंक्स होंगे, एंड ये रहा हमारी बाइक जो कि कवर्ड है, थोड़ी देर के बाद हम इसको रिव्यू करेंगे, हाँ। आपका दूसरा वाला बाइक उधर है अगर आप कस्टमर्स को दिखाना चाहते हैं, इज अ सरप्राइज फॉर यू ऑल गाइस वेटिंग, ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ZX6R ओनर फॉर द स्टेट, एंड आई थिंक ईस्टर्न जोन में भी कोई नहीं लिया, कोई नहीं लिया है ईस्टर्न जोन में, दिस विल बी वन ऑफ द फर्स्ट डिलीवरीज इन द ईस्टर्न जोन, ही इज वन ऑफ द लकीएस्ट कस्टमर्स, इंडिया में बहुत कम पीसेस आए हैं, एंड बहुत ही लोग जो पैशनेट है सीरियसली अबाउट मोटरसाइकिलिंग वो लोग फर्स्ट हैंड्स डाले हैं इस बाइक पे,
सो ही इज रियली लकी मैन. एंड मोटरसाइकिल्स ग्रुप भी आने वाला है, वी आर ऑल गोइंग टू हैव एन अमेजिंग टाइम. इसके बाद तो एक मजेदार वीडियो में आपको ही पता चल जाएगा क्या मजा करने वाले. तो आज जो होगा वो डिलीवरी वाला टूटना पार्ट होगा मैं करूंगा, लेकिन संडे को मैं इसको राइड पे लेके जाने वाला. फिर उसका एक जो एग्जॉस्ट नोट है कैसा है, पावर क्या है, वो डिलीवरी बात करेंगे, वो हम लोग बात करेंगे. चलो चलिए चाओ. मेरा छोटा भाई सौर्या जो कि शिक्षा लेने वाला है. तो तू खुश है? तो बोला था डुकाटी लेगा. अभी तू खुश है? तो मतलब शिक्षा से खुश है कि नहीं? जब तूने बोला कि शिक्षा ले अच्छा है तो उसके बाद मैं आया, देखा गाड़ी, टेस्ट राइड किया. सही में एक्चुअली मस्त गाड़ी. अब तो चलाने के बाद पता चलेगा. नहीं मैं चला चुका. नहीं उस दिन तो टेस्ट लिया था ना, अच्छा लगा. तो ऑसम. सो चले, शैल वी डू इट? लेट्स डू इट. यो लेट्स डू इट. कहाँ गया? एक सेकंड, एक सेकंड. सौरभ बोल रहा था उसको कुछ डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है, सो शुड वी वेट फॉर हिम? बिकॉज मैं ऐसे मसल यहाँ सेल्स मैनेजर को आने दो, फिर करता है. 3, 2, 1, गो. Hello. अभी एक्चुअली मैं टेस्ट राइड लिया एंड मैं बताना नहीं चाहता हूँ एक्चुअली वो फील मेरे को. वो बाद में वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं विल टेक अ गोप्रो फुटेज ना ऑन द सिक्सर. विल शो देम हाउ द लाइंस आर गोइंग, यस, हाउ द रेगुलेटर इज क्लाइंबिंग, एवरीथिंग, ऑल द डिटेल्स. ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले ब्लॉग में. राइट सेफ, राइड विद गियर, राइड सेफ, राइड विद गियर, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, बाय. पावर पावर.